हाँ जी राजे, अज के टॉपिक दे विच आपां ने की किया, मैं 5 मिनटां च रिवाइज करना। सब तो पहले लैक्चर च आपां ने गल कीती सीगी आईगन वैल्यूज की हुंदियां नेगियां, सैकेंड लैक्चर आया सी आईगन वैक्टरज का, थर्ड लैक्चर आपां ने कीता सीगा डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स का। अज आपां करन जा रहे हैं मैट्रिक्स मिनिमल इक्वेशन की है, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन की है, कैले हैमिल्टन थ्योरम नूं वेरीफाई करन दा कम। सब तो पहला तो तुसी दित्ती हुई कोफिशियंट मैट्रिक्स ए तो ए माइनस लैमडा आई नाम की मैट्रिक्स पता कर लेनी है, बाद दे विच ए माइनस लैमडा आई का डिटरमीनेंट जीरो दे इक्वल रख लेना, अपने को जिन्ना ए का ऑर्डर से उन्ने ऑर्डर की करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी, जिन्ना ऑर्डर ए का सी उन्ने ऑर्डर की करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई लैमडा दी टर्म दे विच। उस तो बाद आपने करना सीगा कैले हैमिल्टन थ्योरम नूं वेरीफाई, जिदे लई लैमडा की जगह ते कैपीटल ए नाम की मैट्रिक्स फिल कर देनी है, जिथे एन दे नाल कॉन्सटेंट आ उत्थे कॉन्सटेंट दे नाल आइडेंटिटी आ जूगा, जिथे लैमडा आ उत्थे ए आ जाएगा, जिथे ए लैमडा स्केयर आ उत्थे कैपीटल ए दा स्केयर आ गया, जिथे लैमडा क्यूब आ उत्थे ए क्यूब आ जूगा। दित्ती हुई कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए तो ए स्केयर पता कर लेना, ए नूं ए नाल मल्टीप्लाई करके, ए क्यूब पता कर लेना ए स्केयर नूं अगे रख के ए नूं पिछे रख के। सो फाइनली तुसीं ए क्यूब ए स्केयर ए अते आइडेंटिटी चारां दी वैल्यू भरोगे करैक्टरिस्टिक इक्वेशन च, इनू सॉल्व करके लास्ट ते की आऊगा 0-0 आऊगा, जे 0-0 बचता है तो यस कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई होगी। उस तो बाद आपां ने कीता इहदा डेरोगेटरी अते नॉन डेरोगेटरी का कम, उस तो पहला आपां ने अज पढ़िया या इहदा इनवर्स किवें पता करदे आ यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम। सो कैले हैमिल्टन थ्योरम की सी कि गिवन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए सैटिस्फाइज इट्स ऑन करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, अपनी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन सैटिस्फाई करती है, जदों करैक्टरिस्टिक इक्वेशन सैटिस्फाई होगी उस तो बाद प्री मल्टीप्लाई कर देना बोथ साइड से ए इनवर्स के नाल, इस तरीके आप ए इनवर्स की वैल्यू पता कर सकते हैं। सो ए इनवर्स की वैल्यू तो बाद आता डेरोगेटरी और नॉन डेरोगेटरी का टॉपिक। जे लैमडा दियां आइगन वैल्यू सारिया ही डिफरेंट ने, डिस्टिंक्ट ने, वक्ो वक्रिया ने, तो इस केस के मैट्रिक्स बोलेंगे नॉन डेरोगेटरी, इस केस दे विच करैक्टरिस्टिक इक्वेशन रिड्यूस नहीं किया जा सकता, जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आ उही मिनिमल इक्वेशन आ, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन का ऑर्डर भी 3 आ, मिनिमल इक्वेशन का ऑर्डर भी 3 है। जे बाई चांस लैमडा दी आइगन वैल्यूज रिपीट कर दी ने, इस केस दे विच मैट्रिक्स नूं बोलांगे डेरोगेटरी, इस केस दे विच मिनिम करैक्टरिस्टिक इक्वेशन रिड्यूस किया जा सकता मिनिमल इक्वेशन च, इस केस दे विच करैक्टरिस्टिक इक्वेशन और मिनिमल इक्वेशन का ऑर्डर मैच नहीं करता, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन का ऑर्डर वध है अते मिनिमल इक्वेशन का ऑर्डर घट है, क्योंकि करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है लैमडा दियां सारिया आइगन वैल्यूज तो जिन्नी भी ने, भावें रिपीट कर दी ने भावें नहीं, पर मिनिमल इक्वेशन बनती है सिर्फ नॉन रिपीटड आइगन वैल्यूज तो। जिमें फॉर एग्जाम्पल से आप गल करिए लैमडा दियां वैल्यूज नेगियां एम एम अते एन, तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन किवें बनूगी, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आऊगी लैमडा माइनस एम, लैमडा माइनस एम अते लैमडा माइनस एन तो, पर मिनिमल इक्वेशन आऊगी सिर्फ नॉन रिपीटड वैल्यूज तो, लैमडा माइनस एम अते लैमडा माइनस एन जिहड़ी रिपीट कर दी उहनूं छड़ दांगे। सो इस केस दे विच करैक्टरिस्टिक इक्वेशन का ऑर्डर तो 3 है, पर मिनिमल इक्वेशन का ऑर्डर की है 2 है सिर्फ नॉन रिपीटड वैल्यूज तो। जे बाई चांस इदां दी गल हुंदी लैमडा इक्वल टू एम 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 तीनों वैल्यूज रिपीट कर दी, फिर करैक्टरिस्टिक इक्वेशन की होनी सी लैमडा माइनस एम, लैमडा माइनस एम अते लैमडा माइनस एम, ते मिनिमल इक्वेशन की होनी सी, मिनिमल इक्वेशन होनी सी लैमडा माइनस एम दी, क्योंकि तिने वैल्यूज रिपीट कर दी ने। सो ये काम अज आपां ने सिखिया आ कि किवें करैक्टरिस्टिक इक्वेशन नूं रिड्यूस करना मिनिमल इक्वेशन दे विच, या किवें करैक्टरिस्टिक इक्वेशन मिनिमल इक्वेशन च रिड्यूस नहीं हुंदी। सिंपल शब्दों के दोबारा रिवाइज कर लो, जे आइगन वैल्यूज रिपीट कर दिया ने मैट्रिक्स डेरोगेटरी है, मिनिमल इक्वेशन का ऑर्डर घट जूगा, जे करैक्टरिस्टिक इक्वेशन सारिया डिफरेंट वैल्यूज तो बनी है तो मिनिमल इक्वेशन उही है, जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन रिड्यूस नहीं किया जा सकता। उस तो बाद हुण आपां गल करदे आ फाइंड ए इनवर्स यूजिंग मिनिमल इक्वेशन, हुण आपां मिनिमल इक्वेशन तो ए इनवर्स पता करना। सिमिलरली इन स्टैप 5 जिहड़ा आपां 5वें स्टैप दे विच कम कीता सी, आफ्टर गैटिंग द मिनिमल इक्वेशन चेंज करांगे लैमडा की जगह ते ए, इहनूं प्री मल्टीप्लाई करांगे बोथ साइड ते ए इनवर्स दे नाल, जो भी अपने कोले मिनिमल इक्वेशन आई है उहनूं दोनों पासे ए इनवर्स नाल मल्टीप्लाई कर दो, तुहाडे कोले ए इनवर्स की वैल्यू आ जाऊगी, ए होगी
ए इनवर्स की वैल्यू बाय यूजिंग मिनिमल इक्वेशन। ये तो पहला आपने पढ़िया ए इनवर्स की वैल्यू वैल्यू बाय यूजिंग करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। आ थोड़े जे नोट्स ही लिखे हुए ने अपने दोबारा तो सीख लो कि ए होंदी आ गिवन स्केयर मैट्रिक्स। आइगन वैक्टर की होंदा एक्स इज वेरिएबल वैक्टर सच दैट लैमडा इज एनी स्केलर आफ्टर सैटिस्फाइंग दिस ए एक्स इक्वल टू लैमडा एक्स। इतने लैमडा बोलते हैं आइगन वैल्यू और एक्स न बोलते हैं आइगन वैक्टर। लैमडा की आ आइगन वैल्यू आ एक्स की आ आइगन वैक्टर आ कोरसपोंडिंग टू द आइगन वैल्यू लैमडा। यह गल का ध्यान रखा जाए बोलन लिखण वेले दसना जरूरी है। ऐ नहीं है कि किसी सीधा ही कहता कि यह आइगन वैक्टर है। हरेक आइगन वैक्टर किसी खास तरह की आइगन वैल्यू में भर के प्राप्त होया। आप यूज करते होंगे ना ए माइनस लैमडा ई इंटू एक्स के लैमडा कुछ भरते हैं जो लैमडा कुछ पुट करते हैं तो कोरसपोंडिंग आइगन वैक्टर आता है। एक किसी ने मैं क्वेश्चन जो भेजा कल परसों जे उस नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन जीरो आ रहा है मतलब उन्ना ही वेरीएबल ने उन्ना ही रैंक है। कौन सीगा किसी ने क्वेश्चन भेजा सी मैं बुक की फोटो खिंच के थोड़े चो तो नहीं कोई। चलो एक समा आया सी उन्होंने कहा कि आ समझ नहीं लग रहा की किया होया भी मनिया कोई है ही नहीं वेरीएबल। उसका रीजन दस रहा मैं उत्थे बुक से जोड़ा क्वेश्चन सी उहदे विच कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक तीन आ रहा सी। इहदा मतलब नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन की आ गया तीन वेरीएबल ने माइनस तीन रैंक आ जीरो आ गया। जे जीरो लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आ रहा तो बाकी बचद इक्वेशन दे विच आपां नूं अपने कोलो किसी की भी वैल्यू मनण की लोड़ नहीं। कोई भी वेरीएबल की वैल्यू लैट करन की जरूरत नहीं हैगी। अपने आप ही किसी इक्वेशन चो जैड की वैल्यू आती है उन्होंने उपर यूज करके वाई आता इन्होंने दोनों पहली इक्वेशन यूज करके एक्स आता क्योंकि तीन रैंक ता ही आया ना। जे तीन इक्वेशन ने तुहाडे कोले तीन रोज नहीं है जे तीन रोज आ रही ने तो वह लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन नहीं है उन्होंने लीनियर डिपेंडेंट सोल्यूशन बोलांगे। अलग तो समझ लो इस चीज़ को पहले तो हाले तक मैं दसी नहीं सी कि जे जीरो लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आता तो कोई भी लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन नहीं है लीनियर डिपेंडेंट सोल्यूशन आ। इस केस के अपने अपने वालों किसी वेरीएबल की वैल्यू लैट नहीं करनी अपने आप ही वैल्यू सामने आऊगी कैलकुलेशन करने बाद। सो उस तो बाद मैं गल करा कि एक्स है जिहड़ा वह आइगन वैक्टर हुंदा कोरसपोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैमडा। उस तो बाद कोरसपोंडिंग टू द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू देयर डज नॉट एग्जिस्ट मोर दैन वन आइगन वैक्टर। जिहड़ी भी आइगन वैल्यू आ डिस्टिंक्ट वक्री वाली आइगन वैल्यू आ उहदे कोरसपोंडिंग सिर्फ इको एक आइगन वैक्टर होगा एक तो वध नहीं होने। जिहड़ी लैमडा की वैल्यू रिपीट करती सी उहदे कोरसपोंडिंग एक तो ज़्यादा आइगन वैक्टर हो सकते हैं। यह ऑबजैक्टिव नॉलेज आ जी मैं कढ के लिखी हुई है ऑबजैक्टिव टाइप के पेपर वगैरह च कम आ सकती है। पहला तो यह समझो कि जी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आरसपोंडिंग कोई भी एक आइगन वैक्टर आऊगा बस एक तो ज़्यादा नहीं होने। हाँ जी वैल्यू रिपीट करती है जे दो बार रिपीट करती है तो वह कोरसपोंडिंग दो आइगन वैक्टर भी आ सकते हैं एक आइगन वैक्टर भी आ सकता दो तो वध नहीं आ सकते। जे आइगन वैल्यू तीन बार रिपीट करती है तीनों बारी मान लो टू 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 आ गया तो ये कोरसपोंडिंग वध तो वध तीन आइगन वैक्टर होणगे जां दो आइगन वैक्टर होणगे जां एक आइगन वैक्टर होगा जीरो आइगन वैक्टर नहीं होना एक तो होगा ही होगा दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते तीन तो वध नहीं सकते। सो जिनी बार कोई आइगन वैल्यू रिपीट करती है वध तो वध उन्नी बार वो कोरसपोंडिंग आइगन वैक्टर आते हैं। हरेक आइगन वैक्टर किसी ना किसी आइगन वैल्यू के कोरसपोंडिंग आया। उस तो बाद आ सी अपने को लैमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इफ एंड ओनली इफ ए माइनस लैमडा इज द डिटरमिनेंट जीरो आ एक थ्योरम आ गई कि ए। हुण मैं थोनू थ्योरम्स करवावां या मैं जिहड़ा अज कम पढ़िया उहदे नाल दी एग्जाम्पल्स करवावां पहलां इह दस्सो एग्जाम्पल करदे आपां थ्योरम वाले कम कल कर लैंदे आ ठीक है। थ्योरम्स तो अपनी काफ़ी ने एग्जाम्पल्स भी काफ़ी ने।
आ देखो एक क्वेश्चन जहा कर लेने वैसे ही कि कोई मैट्रिक्स दिती हुई है इहदियां आइगन वैल्यू की ने आइगन वैक्टर की है की यह डायगनलाइजेबल है जस्टिफाई करना। सब तो पहला आप करते हैं आवाज साइलेंट भी दिती हुई कोफिशन मैट्रिक्स आ एक लैमडा ई मैट्रिक्स आ ए माइनस लैमडा ई पता कर लिया इहदा डिटरमीनेंट कर रहे हैं बाय एक्सपेंडिंग रो वन डिटरमीनेंट नूं जीरो दे इक्वल टेक कीता तां आ तुहाडे कोल एक करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। हुण इस करैक्टरिस्टिक इक्वेशन दे आपां रूट्स पता करांगे। रूट्स पता करने के लिए जिम्मे देखो इन्होंने इतने लैमडा की जगह से तीन फिल किया लैमडा क्यूब 27 लैमडा स्केयर 18 ना मल्टीप्लाई किया 162 लैमडा 81 लैमडा 81 लैमडा 3 ना मल्टीप्लाई किया 243 128 कट के 00 बच गया तो लैमडा इक्वल टू 3 यदा रूट आ गया। फिर आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स के 1-1881 -108 1-1881 108 माइनस का ये कोफिशिएंट्स फिल करके आ तीन जो रूट्स इन फिल कर लिया ठीक है ये आंदा ना आ वन सेम आ गया थ्री वन से मल्टीप्लाई करांगे इतने -15 थ्री -15 से मल्टीप्लाई किया -45 कट के 36 थ्री 36 से मल्टीप्लाई किया 108 जीरो आ गया। आ जे तीन कोफिशेंट्स ने यह आपको एक ऑर्डर घटी हुई इक्वेशन दे देंगे। यह सिंथेटिक डिवीजन मैथड अपने प्रीवियस लैक्चर डिस्कस किया हो सो फाइनली अपने को लैमडा दी वैल्यू आ गई 3, 3 और 12 पहला आप वक्री वैल्यू 3 ले लो भावें ए -3i मैट्रिक्स पता की ये कोरसपोंडिंग दो लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आने क्योंकि एक रैंक आ तो दो बार वैल्यूज एक बार 01 एक बार 10 मन के आपने जेड दैल्यूज कटी हुई ने तो दो आइगन वैक्टर आ गए आ पहला आ दूजा हूँ आप लैमडा की दूजी वैल्यू लें 12 के कोरसपोंडिंग एक आइगन वैक्टर सॉल्व कर लिया आ तीजा आइगन वैक्टर आ गया। उस तो बाद आप पी रखी मोरल मैट्रिक्स कलैक्शन ऑफ ऑल आइगन वैक्टरस पी का डिटरमीनेंट कर लिया क्योंकि ये माइनर को फैक्टर कड के ये इनवर्स की लड़ है सो पी का इनवर्स आ चुके अपने को डी नाम के मैट्रिक्स पता कर जा रहे हैं पी इनवर्स ए इंटू पी आ पी इनवर्स रखिया आ ए आ ए पी है इन्होंने तिना की मल्टीप्लाई करके आ एक डायगनल मैट्रिक्स आ गई जिदिया आइगन वैल्यूज ही डायगनल एंट्रीज ने यस दिस मैट्रिक्स इज डायगनलाइजेबल। काफ़ी क्वेश्चन दिते हुए ने डायगनलाइजेबल दे ये पढ़ियो ध्यान नाल इत्थे क्वेश्चन आ गया वेरीफाई करना कैले मिल्टन थ्योरम नूं मैट्रिक्स ए लई। सब तो पहला तो ए है आइडेंट लैमडा आई है ए माइनस लैमडा आई का डिटरमीनेंट कर लिया डिटरमीनेंट करन तो बाद अपने कोले की आ गया आ करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन की आ गई लैमडा क्यूब माइनस का 3 लैमडा स्केयर माइनस लैमडा प्लस 9 अपने प्रूव करके की दिखाना पुट कर देंगे लैमडा की जगह पर ए मैट्रिक्स सो लैमडा क्यूब की जगह पर ए क्यूब माइनस 3 लैमडा स्केयर की जगह पर -3a² माइनस के लैमडा की जगह पर माइनस का ए आ गया 9 की जगह पर 9 इंटू आइडेंटिटी आ गया। सो हुण आपां ने आ चीज़ प्रूव करके दिखाउणी आ भी यह किदे इक्वल बचती है कैपीटल 0 मतलब कि 0 मैट्रिक्स के इक्वल बचती है। सब तो पहला तो ए तू ए नाल मल्टीप्लाई करके ए स्केयर आ गया ए स्केयर नू अगे रख के पिछे ए नू रख के ए क्यूब आ गया। हुण आपां ए दी ए दे स्केयर दी ए दे क्यूब दी अते आइडेंटिटी दी वैल्यू फिल कीती इहदे विच फिल करन तो बाद कैंसल होकर सारा कुछ की बच गया 0 0 0 बच गया यस रिजल्ट 1 सैटिस्फाई हो गया। इहदा मतलब गिवन करैक्ट गिवन स्केयर मैट्रिक्स ए ने अपनी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन इट्स ऑन करैक्टरिस्टिक इक्वेशन सैटिस्फाई करता। उस तो बाद एक क्वेश्चन ये नाल ही करैक्टरिस्टिक इक्वेशन पता करो अते कैले मिल्टन थ्योरम नूं वेरीफाई करो ए दा इनवर्स भी कढो। हुण मैं चलदा जिथे जाके करैक्टरिस्टिक इक्वेशन तुसीं वेरीफाई कीती आ 0 0 आया अपने कोल 0 0 आ गया। उस तो बाद अपने कोल की सीगा ए इनवर्स नूं मल्टीप्लाई करना सी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आ प्री मल्टीप्लाई इतने ए क्यू स्केयर बच गया इतने ए ए बच गया इतने आइडेंटिटी आ गया इतने 27 ए इनवर्स आ गया 27 ए इनवर्स लैफ्ट साइड रखे बाकी सारा मैटर राइट साइड से बाद 27 नाल डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स नूं तां लास्ट दे तुहाडे कोल ए दा इनवर्स आ चुके।
ए सीगा इनवर्स ऑफ ए बाय यूजिंग करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये पेज घट लगे हुए हैं, मैं बाकी पेज नैक्सट लैक्चर च लगा के तुम्हें एग्जाम्पल करवा दूंगा। मिनीमल इक्वेशन किमें पता करते हैं, मिनीमल इक्वेशन का काम की है, देखो थोड़ी बुक्स के पेज होर इन्ने ही नहीं गे, इन्ने ही ने, फिर मैं करवाऊंगा अपने वालों एग्जाम्पल थोड़िया बहुत, ठीक है, आ कर दो क्लोज।